नगर पालिका निगम भिलाई चरोदा में बुधवार को महापौर निर्मल कोसरी ने अपना तीसरा बजट लाभ का अभिभाषण पढ़ा। वहीं महापौर के बजट अभिभाषण के साथ ही सदन में गहमागहमी का माहौल रहा। नेता प्रतिपक्ष राम खिलावन वर्मा और अन्य भाजपा पार्षदों ने इस बजट को काल्पनिक बताते हुए कहा कि इस बजट में नया कुछ भी नहीं है। नगर पालिका निगम भिलाई चरोदा में महापौर निर्मल कोसरे ने अपना तीसरा बजट अभिभाषण पढ़ा। महापौर निर्मल कोसरे ने 2024-25 के लिए 252 करोड़ का अनुमानित बजट पेश किया। बजट अभिभाषण के साथ ही सदन में गहमा गहमी का माहौल रहा। नेता प्रतिपक्ष राम खिलावन वर्मा और अन्य भाजपा पार्षदों ने इस बजट को काल्पनिक बजट बताया और कहा कि इस बजट में नया कुछ भी नहीं है। महापौर ने पुराने बजट से उठाकर इसे कॉपी पेस्ट किया है। 2023-24 में अनुमानित बजट 280 करोड़ रुपए पेश किया गया था, जबकि वास्तविक आय 50% से भी कम रही। ऐसे में फिर से 252 करोड़ का बजट पेश करना एक काल्पनिक बात है। सदन में विपक्ष ने गौरव पथ में हुए भ्रष्टाचार और मिनी स्टेडियम को लेकर भी कई सवाल खड़े किए। वहीं महापौर निर्मल कोसरे व सभापति कृष्णा चंद्राकर ने कहा कि इस बजट में शहर के विकास के साथ सभी वर्गों को लाभ पहुंचाने का प्रयास किया गया है। जो आय निगम को प्राप्त होता है 23-24 के लिए 300 लाख रुपए आय का अनुमान किया गया था, जिसके विरुद्ध में हमको 291.47 लाख रुपए आय प्राप्त हुआ है। इस वर्ष हम लोगों ने राशि का प्रावधान रखा है। इनके अलावा जो खेल के क्षेत्र हैं उनको भी बढ़ावा देने के लिए हम लोगों ने उनमें प्रावधान रखा है। स्वास्थ्य शिक्षा और ज़्यादा से ज़्यादा महिला स्व सहायता समूह को हम लोग काम दे सकें, इसके लिए भी यूपा के तहत हम लोगों ने प्रावधान रखा है। देखिए, पूर्ववर्ती सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने, मैं आपको बताना चाहूँगी, 14 करोड़ 67 लाख रुपये की राशि की स्वीकृति हमको 9वें महीने में मिल चुका था और सिरसा गेट चौक के लिए 3 करोड़ 43 लाख रुपए की राशि की स्वीकृति हमको मिल चुका था। लेकिन जब सरकार बदली और सरकार बदलने के बाद वर्तमान की सरकार ने उस काम में अभी रोक लगा दिया है। आप लोगों को विदित होगा कि न केवल भिलाई चरोदा का अपितु पूरे दुर्ग जिले के 500 करोड़ से ज़्यादा की राशि राज्य सरकार ने रोक दिया है। हम लोगों ने फिर से पत्र उनको भेजा है। मेरे ही नगर निगम 25 करोड़ का बजट वापस चला गया। इसमें हमारा नगर पालिका निगम भिलाई चरोदा थोड़ा से उसमें कमी आ गया करके हम लोग उस कार्य को नहीं करा पा रहे। इसमें शोर शराबा हुआ, इसी कारण बात हुआ पार्षद भाजपा का कि ये शनिवार रात हमने उनको बताया कि आपके शासन आने के बाद जो योजना थी उसको वापस ले गए हैं, तो आप लोग अभी आए इस शासन में आप लोग दिलाइए, हम लोग काम करेंगे। क्योंकि हम तो जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, जितना विकास का कार्य होगा कोई भी कार्य भाजपा कांग्रेस हम नहीं देखेंगे और इस कार्य को हम लोग करेंगे। ये आशा के साथ हम लोग बजट को पास किया और सर्वसम्मति से पास करने के बाद उसको जय भारत जय छत्तीसगढ़। बस घिसी पिटी वो बजट पेश कर रहे हैं, वही घूम वही कॉपीराइट, जो बजट पिछले समय 3 साल से देख रहे हैं वही बजट। अरे 122 लाख का बजट, आप लाभ का बजट दिखा रहे हो, यहाँ पे कर्मचारी तरस रहे हैं। यहाँ के पूरे वार्ड 40 वार्ड में ऐसा कोई वार्ड ना हो जो पानी से अछूत ना हो, सभी पानी। बहरहाल गहमा गहमी के बीच सभापति कृष्णा चंद्राकर ने सर्वसम्मति से बजट पारित किया। एसीएन न्यूज के लिए शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट।